एनबीसीसी में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सुदीप जी, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। आज सुबह सेठी साहब ने भी इसे लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर रेकमेंड किया था, अभी क्या राय बन रही है? न्याय जी, एनबीसीसी में यदि हम चार्ट देखें तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक का था 85 88 लेवल्स, वहां पे ही स्टॉक ने पिछले अगर हम देखें तो एक सवा महीने में दो बार स्टॉक ने बॉटम बनाया, ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना के अब ये यहाँ से एक रिवर्सल की साइन दे रहा है। और आज स्टॉक पहली बार ये सिग्नल दे रहा है अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज पे आके और वहां पे स्टेबलाइज होके कि हाँ यहाँ पे कुछ देर और कंसोलिडेट करके यहाँ पे से एक अच्छा रिवर्सल दिखा सकता है। अभी भी बहुत बड़ा बुलिश साइन नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि एक लोअर लेवल्स पे एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जो कि नतीजे भी अच्छे और काफी ऑर्डर्स उसके तरफ काफी न्यूज फ्लो में रहा है पिछले एक महीने में जब मार्केट में डाउन साइड था, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो कैपिटलाइज हो सकता है और स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल भी आ सकता है। तो 90 के स्टॉप लॉस से थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा वॉलेटाइल भी काउंटर है, तो 90 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 101 और 104 के दो टारगेट्स एनबीसीसी में आ सकते हैं आने वाले 2 से 3 सप्ताह में। राइट, इसके साथ ही